हमने जो है ये तकरीबन मेरे पास जो है वो आधा इंच जो है वो चौड़ी पट्टी है जो हमने अपनी जो है वो फट्टी के नीचे लगा के कपड़े को फोल्ड करना है। इसको इस तरह से मैंने जो है वो कपड़े के अंदर लगा लिया है, ठीक है। और इसका यहाँ से मैंने एक साइड से फोल्ड किया है और दूसरी साइड से हम इसको यूँ इस तरह से रख के यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसको जो है वो यहाँ से हम सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। व्यूअर्स, ये मेरा नेक लाइन है, इसको आयरन की मदद से मैंने इस तरह से बिठा लिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम इसके नीचे ये वाली पट्टी रखेंगे और इसको जो है वो स्टिच कर देंगे। देखें व्यूवर्स, मैंने जो है यहाँ से पट्टी लगा के इसको बंद कर दिया है। हम इस पे जो है वो बटन लगाएंगे। ये हमारा नेक लाइन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत जो है वो नीट तरीके से जो है वो मैंने आपको ये इजी वे में जो है वो बनाना बताया है, ठीक है। नीचे से भी बहुत सफाई से बनता है और यहाँ से आप इसी तरह से जो है वो ईजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें नीचे से भी कितना जो है वो नीट बना है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी जो है वो तरपाई डाल देंगे। अब इसके बाद व्यूअर्स, मैंने जो है वो अपना बैक साइड का जो है वो नेक बनाना है। बैक साइड पे जो है वो शर्ट पे मैं सेम इसी तरीके से नेक जो है वो बनाऊंगी राउंड में ही, ठीक है। बे शेप में जो मेरा गला है, इसी तरह से मैंने चिप्स पे जो है वो अपना गला काटा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये मैं बैक साइड का बनाऊंगी। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप इसको जो है वो रे पट्टी लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ से जो है वो शर्ट के जो है वो शोल्डर अटैच करूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद इसके साथ बाजू लगाऊंगी और इसकी साइड की जो है वो बिल्कुल इसके शर्ट को जो है वो रेडी कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरी शर्ट की फाइनल लुक है। इसकी यहाँ पट्टी पर मैंने जो है वो टोटल 10 बटन लगाए हैं। इन बटन्स को जो है वो गोली बटन कहते हैं। आप इजीली मार्केट से इसको ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा मेरा ये शर्ट का डिज़ाइन बना है। इसके बाद व्यूअर्स, जो मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड की है वो मैंने इसके यहाँ पे जो है वो इस तरह से कटवर्क करवा लिया है, ठीक है। दूसरी तरह से कट बनाना जो है वो मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। आप इसको जो है वो अपने ड्रेस को इस तरह से भी एक जो है वो न्यू लुक दे सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने बाजुओं पर करवाया है, सेम इसी तरीके से व्यूवर्स मैंने अपने जो है वो दामन पे भी बनवाया है, फ्रंट बैक दामन पे। अगर आप जो है वो इसको मज़ीद जो है वो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चौक पे भी बनवा सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, अगर आपने चौक पे बनवाना है तो आपको जो है वो शर्ट जो है वो तकरीबन यहाँ तक जो है वो स्टिच करके फिर जो है वो इसको देना है, ताकि इसकी कढ़ाई जब हो तो यहाँ से जो है वो उसको आइडिया हो जाए कि आपने यहाँ तक जो है वो अपने चौक रखने हैं, ठीक है। उम्मीद है व्यूवर्स आपको जो है ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से व्यूवर्स, इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी मैंने जो है वो थोड़ा फ्लैपर टाइप बनाया है और इसके ट्राउज़र पर भी मैंने इसी तरह से कटवर्क करवाया है, सेम जो है वो इसके कंट्रास्ट के धागे के साथ, ठीक है। और ये जो है वो मेरा थोड़ा सा जो है वो फ्लैपर टाइप है, थोड़ा सा लूज़ लूज़ मैंने रखा है। आप अपने ड्रेस को भी सेम इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।